नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द रियलिटी शो यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आप सभी से बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर यूपी बोर्ड की पेपर शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा, जैसा कि आप सभी को पता है, स्टार्ट होने जा रही हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आप लोगों के पास प्रवेश पत्र भी आ चुके होंगे। मेरे ख्याल से तो प्रवेश पत्र आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप अपने नाम, पता, फ़ोन नंबर, जानकारी जो भी है, जो भी डिटेल्स आती हैं सब्जेक्ट वगैरह की, वो आप चेक करेंगे। तो अगर आपकी सब कुछ सही है तो कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके नाम में, ठीक है, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी, या फिर सब्जेक्ट आपकी गलत है, तो इस सब में अगर आपकी कोई भी त्रुटि है, शुद्ध भाषा में बात करेंगे आज हम, और बिल्कुल फ्रेंकली बात करेंगे। हम ऐसे बात नहीं करेंगे जैसे कि हम कोई अलग बंदे से बात कर रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके प्रवेश पत्र के अंदर कोई भी त्रुटि है तो आप उसको प्रधानाचार्य, यानी कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर के पास जाकर सही करवा सकते हो। उस सब के बारे में आज नोटिफिकेशन भी आया था, और डेट जो है बढ़ गई है। पहले डेट अलग थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में डेट को बढ़ा दिया गया है। सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। बस अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को एक तो शुरू से अंत तक देखना है। अभी तक देख रहे हो तो अंत तक देख लेना। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ पर अगर इस तरफ आएंगे, ये तो वेबसाइट है, हाँ ये रहा, इस तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, छात्र 25 तक दूर करा सकेंगे त्रुटियाँ। तो ये नोटिफिकेशन है, पहले जो डेट थी 10 फरवरी थी, देखिए अंतिम तिथि 10 फरवरी थी, जिसे बढ़ा दिया गया 25 फरवरी तक। तो पेपर आपके शुरू होंगे 18 फरवरी से, ठीक है, तो आप आराम से करा सकते हो। यहाँ पे कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये करना है, ये देखिए, हिंदी में व्यवस्था की परीक्षार्थी में शैक्षिक विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विषय, कास्ट कोड, जेंडर कोड, मीडियम कोड और रेगुलेशन कोड में किसी तरह की त्रुटि ना रहे, इसके लिए यह तारीख बढ़ाई गई है। प्रधानाचार्यों द्वारा वेबसाइट पर जाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, प्रधानाचार्य द्वारा वेबसाइट पर जाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है। हालांकि बिना किसी छात्र के परीक्षार्थी के नाम या पता जो कुछ भी है उसको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर आपका नाम बिल्कुल ही पूरा गलत है या आपकी मम्मी का नाम पूरा ही गलत है, तो आपको उसके लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे अगर स्पेलिंग में दिक्कत है तो आप डायरेक्टली करा सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, मैं रोक कर वीडियो को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मम्मी पापा के नाम में अगर बिल्कुल ही नाम गलत कर दिया है, तो आपको उसके लिए अपनी मम्मी या पापा का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि वोटर कार्ड या आधार कार्ड वगैरह आप दे सकते हो, तो वो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि केवल नेम में ही थोड़ी बहुत दिक्कत है या एक दो स्पेलिंग इधर उधर हुई हैं, तो वह आप बता दोगे तो ऐसे ही जो है ठीक कर दी जाएंगी। अब बात वापस आ जाते हैं इधर कलर नोट की तरफ। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं, अगर आपके प्रवेश पत्र के अंदर कोई भी त्रुटि है तो आप समय से पूर्व, यानी कि 18 फरवरी से पेपर, लेकिन अगर आपके हाथ में प्रवेश पत्र आ चुका है तो आप अभी जा सकते हो, यानी कि कभी भी, जब भी कॉलेज खोले कल जा सकते हो आप। संडे को तो नहीं जाना रहता है, सोमवार से शनिवार कॉलेज तो डेली खुलते ही हैं, तो आप जाना, प्रिंसिपल सर को बताना, सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये मेरी त्रुटि है, तो इसको आप सही करें, तो प्रिंसिपल सर सही करेंगे। और उसका आपको रुपया कितना देना है पता है? कोई रुपया नहीं देना। अभी कब तक? पेपर होने तक अगर आप सही करा ले, मतलब 25 फरवरी तक अगर आप सही करा लोगे तो आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। हालांकि 18 फरवरी से पेपर होंगे और आज तारीख है 14 फरवरी, तो मैं तो कहना चाहूँगा पहला पेपर देने जाओ, उससे पहले ही करा लो। अगर डेली कॉलेज जाते हो तो, नहीं जाते हो फिर भी एक बार चक्कर मार आना, क्योंकि अगर वो फिर के लिए जाती है, यानी कि रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आप देखोगे मार्कशीट में, तब सही कराने जाओगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो कोशिश करना, अभी करा लेना, 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 फरवरी 2020 लास्ट डेट है, ठीक है जी। और कोई समस्या हो, सुझाव हो, पूछना हो, बताना हो, कमेंट कर लेना मुझे, वैसे तो कुछ रह नहीं गया। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस वीडियो को हम एंड करते हैं, और वीडियो को एंड करने के साथ साथ ही हम आपसे क्या चाहेंगे, एक छोटा सा लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और साथ में बेल बटन, और अपने कॉलेज वाले यार दोस्तों के साथ शेयर, जिनको इसकी ज़रूरत है, ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको ज़रूरत है केवल उसी के साथ आपको शेयर करना है, ठीक है। और आपको लगता है कि ज़रूरत है हम फिर भी शेयर नहीं करेंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में। कुछ भी पूछना बताना हो तो कमेंट ज़रूर करना, आपकी हर कमेंट पढ़ी जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।